नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समाजवाद के पुरोधा रघुवंश प्रसाद का हुआ निधन, राजनीतिक गलियारों में दौड़ी शोक की लहर। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस ने चलाया अभियान, 14,000 बोतल शराब के साथ 7 शराब कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया कटिहार की सीमा पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जमकर हुई गोलीबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया सौगात, बांका में बने गैस वॉटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। और भोलानाथ पुल पर जल जमाव की समस्या को लेकर युवक ने किया अनोखा प्रदर्शन, पानी में घंटों बैठकर जताया विरोध। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन रविवार को दिल्ली एम्स में हो गया। वे कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, जबकि बाद में बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स के ICU में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। 3 दिन पूर्व 10 सितंबर को रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़ लिया था। वे 74 साल के थे। UPA सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री का कार्यभार संभाला, जबकि लालू प्रसाद यादव के खास होने के कारण राजद में उन्हें संकट मोचक और नंबर 2 माना जाता था। रघुवंश बाबू के मौत की खबर मिलते ही पूरे बिहार के साथ राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई और राजद नेताओं के साथ विरोधी दल के नेताओं ने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की। वहीं भागलपुर में भी राजद परिवार के सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने रघुवंश बाबू की मौत को बिहार की राजनीति के लिए बड़ा नुकसान बताया। बाबू रघुवंश प्रसाद सिंह की अकस्मात मृत्यु से हम संपूर्ण राष्ट्रीय जनता दल परिवार हतप्रभ हैं। महान सामाजिक व्यक्ति थे और समाजवाद के पुरोधा थे। राजद के लिए आज अपूर्णीय क्षति की बात है। निश्चित तौर पर राजद के पुरोधा पुरुष और समाजवाद के पुरोधा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सम्मानीय रघुवंश बाबू जी अब नहीं रहे। ये न सिर्फ राजद परिवार के लिए बल्कि समस्त राजनीतिक दुनिया के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी रिक्तता हो गई। आज हमारे रघुवंश प्रसाद जी जो निधन कर रहे, मैं उनको शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ ये लालू जी के बहुत करीबी थे और गरीबों के लिए बहुत किछ किए थे। ये मनरेगा के जनक कहलाते थे। इसलिए कर मैं कहना चाहता हूँ गरीब के लिए जितना रघुवंश जी और लालू जी मिलकर इतना काम किया आज तक कोई नेता नहीं किए हैं। रघुवंश बाबू अत्यंत ही सरल, सौम्य एवं मृदुल स्वभाव के सच्चे समाजवादी नेता थे। वो गरीब, लाचार, मजदूर, छात्र, किसान, नौजवान के पक्ष में सदैव अपनी आवाज बुलंद करते रहे। उनके निधन से न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को अपितु सामाजिक राजनीतिक जगत के साथ साथ समूचे राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब आते ही शराब माफिया झारखंड और बंगाल से शराब की बड़ी खेप मंगाकर जिले के विभिन्न इलाकों में स्टॉक कर रहे हैं। रविवार को भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को बंगाल से शराब का कंटेनर लाए जाने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद CTSP पूरन कुमार झा के नेतृत्व में शराब बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। रविवार को टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर गाँव में छापेमारी कर अवैध शराब लदे ट्रक को जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 7 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। सीनियर SP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए शराब माफिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। SSP ने बताया कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद चुनाव को देखते हुए शराब तस्करों द्वारा अवैध तरीके से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है, जिसकी बरामदगी के लिए जिले के सभी थाना अध्यक्षों को सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही SSP ने बताया कि छापेमारी के दौरान 14,000 से ज्यादा विदेशी शराब की बोतल के साथ ट्रक को स्कॉर्ट कर रहे 7 कारोबारी को मौके से दबोच लिया गया है।
पकड़े गए तस्करों में मधेपुरा के विवेक कुमार एवं अमित कुमार, सुपौल के नित्यानंद शर्मा, शशि आनंद, मोहन कुमार एवं गगन कुमार के साथ ही भागलपुर के सत्यम कुमार शामिल हैं। एसएसपी ने छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत करने की बात कही। मौके पर सिटी एसपी पूरन कुमार झा, सहायक पुलिस अधीक्षक भरत सोनी, जीरो माइल थाना अध्यक्ष राज रतन सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव तथा पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु तथा राज्य में पूर्ण शराबबंदी जो लागू कराया गया है उसको सख्ती से लागू कराने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और इसी क्रम में विगत कुछ दिनों में लगातार महाअभियान भी चलाया गया था। कल भी जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक लगभग 576 लीटर शराब की रिकवरी की गई थी। इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कल रात्रि में कुछ शराब बड़े पैमाने पे एक ट्रक के माध्यम से शराब को भागलपुर में लाया जा रहा है, और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एएसपी सिटी तथा एएसपी प्रोबेशनर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं बल की एक टीम बनाई गई, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो एक ट्रक जो 12 चक्का का ट्रक है उसको बरामद किया गया, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब जिस पर लोडेड था, और शराब को छुपाने के लिए उसमें मक्के के बोरे से उसको छुपाया गया था। साथ ही साथ जो इस शराब को व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो इस शराब को मंगवाए थे और इसका व्यवसाय कर रहे थे, उन 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से भागलपुर का एक कुख्यात शराब माफिया सत्यम सुंदरम, जो पूर्व में भी अन्य मामले में भी शराब के मामले में शामिल रहा था, तथा सुपौल के 4 व्यक्ति तथा मधेपुरा के 2 व्यक्ति। नौगछिया कटिहार सीमा पर शनिवार की रात कोशी नदी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से 20 राउंड से अधिक गोलियां फायर की गई। लगभग 1 घंटे तक चली मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख सभी अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर नाव से भाग निकले। जानकारी के अनुसार नौगछिया थाना पुलिस शराब तस्करी मामले में जब्त नाव को लाने गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करारी तिनटंगा के समीप गंगा नदी गई थी। इसी दौरान पुलिस को देखकर अपराधियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अपराधियों की ओर से गोली चलता देख पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। घटना को लेकर नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि वर्ष 2017 में नौका से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई थी, जिसके बाद शराब को जब्त कर नाव की निगरानी के लिए चौकीदार की तैनाती की गई थी। शनिवार को कोर्ट के निर्देश पर पुलिस नाव को लाने गई थी। इसी दौरान संगठित अपराधियों के गिरोह ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। SDPO ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया है। घटना है हमारे नदी थाना में 2017 एक केस है, उसी में एक नाव जब्त थी, उसको ले करके ये लोग अपने थाना जा रहे थे, नदी थाना। तो उसी बीच में नदी में कुछ हमको लगता है असामाजिक तत्व हैं जो पुलिस के ऊपर में फायरिंग किए, ठीक है ना। पुलिस के तरफ से भी कुछ फायरिंग हुआ है, तो अपराधी तो भाग गए हैं, उसी के छानबीन में हम लोग आए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांका में निर्मित रसोई गैस बॉटलिंग प्लांट एवं हल्दिया बांका LPG गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी रसोई गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई, इसके लिए LPG के सारे पदाधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हल्दिया से बांका तक पाइपलाइन पूरा हो चुका है। यह पाइपलाइन बरौनी होकर विभिन्न जगहों तक पहुंचाने की योजना है, जो विश्व की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन चेन होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांका में गैस बॉटलिंग प्लांट के चालू हो जाने से अब बिहार के 10 जिलों एवं झारखंड के 6 जिलों में रसोई गैस की किल्लत नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस कभी सुखी संपन्न परिवार के यहां ही होता था, लेकिन आज घर घर उज्ज्वला योजना के तहत बिहार के असमर्थ परिवार के घर रसोई गैस का मुफ्त वितरण किया गया है। उन्होंने बांका सहित आसपास के लोगों को 132 करोड़ की लागत से निर्मित गैस वॉटलिंग प्लांट समर्पित किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा प्रधानमंत्री का वर्चुअल कार्यक्रम गैस वॉटलिंग प्लांट परिसर में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, प्रभारी मंत्री राम सेवक सिंह, बांका सांसद गिरधारी यादव, MLC मनोज यादव सहित दर्जनों प्रशासनिक पदाधिकारी एवं इंडियन ऑयल के पदाधिकारी मौजूद थे। ये वॉटलिंग प्लांट जो है इसका लोकार्पण किया गया है। दुर्गापुर टू बांका तक पाइपलाइन बिछने की बात कही गई है, बड़ी राशि दिया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ से 40,000 पर डे सिलेंडर भरकर अन्य बिहार के विभिन्न जिलों सहित अन्य राज्यों में जाएगा। ये बांका का नाम रोशन हो रहा है।
भागलपुर भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है। बारिश होने के कई दिन बाद भी पुल के नीचे गंदा पानी जमा रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं रविवार को पुल के नीचे जल जमाव की समस्या दूर करने की मांग को लेकर एक छात्र अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए धरना पर बैठ गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बजरंग बिहारी नामक छात्र सुबह पुल के नीचे से गुजरने के दौरान पानी की तेज धार में डगमगा कर गिर गया था, जिसके बाद छात्र नाली की पानी से लबालब भरे पुल के नीचे बैठकर निगम प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाने की मांग करने लगा। वहीं धरना पर बैठे लाओ के छात्र बजरंग बिहारी का दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने भी सहयोग किया और जल्द समस्या समाधान की मांग करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार की चेतावनी दी। इस दौरान शाक्षक थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्र से यातायात अवरुद्ध नहीं करने की बात कही, जिसके बाद स्थानीय लोग एकजुट हो गए और पुलिस से ही उलझ गए। करीब 4 घंटे भोलानाथ पुल के नीचे युवक पानी में बैठकर नगर सरकार, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को बुलाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मामले की जानकारी मिलने के बाद भी न तो कोई अफसर आए और न ही जनप्रतिनिधि। वहीं पुलिस बजरंग बिहारी को जब वार्ता के लिए नगर आयुक्त के पास ले जाने लगी, तभी वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इसके पूर्व धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र से बात की हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। भागलपुर में भोलानाथ पुल की समस्या बरसों से चली आ रही है और इस पुल के नीचे जल जमाव होता है। आज एक छात्र नेता इन समस्याओं के निदान को लेकर के पानी में ही डूब कर बैठ गया। हमारे साथ वह नेता, हम उनसे बात करेंगे कि आप बताइए क्यों बैठे थे आप यहाँ पर। जैसा जानते हैं 25 वर्षों से यह समस्या रहा है। आज दिन मेरे बहन जो भी जानता है यहाँ पे गुजरते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भागलपुर का यह बीच का मध्य रेखा है, बहुत ही पावर पॉइंट है। तो आज जल जमाव में कई लोग गिर भी गए थे, मैं भी गिरा, मैं बैठा, लेकिन ये बात का दुख है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी यहाँ का नेता या तो किसी भी पार्टी का संगठन का अधिकारी या तो जो जनप्रतिनिधि, कोई भी यहाँ आया नहीं। चुनाव नज़दीक है, क्या करेंगे? मेरा जहाँ यहाँ भागलपुर के जनता से निवेदन है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ भागलपुर के विकास के बारे में सोचे, और भागलपुर जो कि अंग प्रदेश था, जिसका कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, सोना दान करते थे हम लोग, आज मूलभूत समस्याओं के लिए रोना रो रहे हैं। तो यह समय है बदलाव का। मोदी जी भी आते हैं, लंबा लंबा बात करके चले आते हैं, नीतीश कुमार जी भी आए, बहुत सड़क बात किए, उसके पीछे लघू नेता सुशील कुमार मोदी भी आए, बहुत कुछ किए, लेकिन धरातल पे कोई काम नज़र नहीं आया। ना एम्स बना, ना एयरपोर्ट बना, ना ही ये भोलानाथ पुल बना। बदलाव का समय है। छात्र नेता पिछले 4 घंटे से पानी में डूब कर बैठे रहे, लेकिन भागलपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनमें से कोई नहीं आया और ना ही कोई लोग यहाँ पर प्रशासन की ओर से यहाँ पर बात करने के लिए आए। अब यह कहना मुश्किल होगा कि यहाँ जो जल जमाव की जो समस्या है बरसों से भोलानाथ पुल की, वह कैसे दूर होगी। हालांकि छात्र को हटाने के लिए इसाकचक थाना की पुलिस आई और समझा बुझा कर यहाँ से ले जा रही है। बताया जा रहा है कि छात्र डायरेक्ट सीधे नगर आयुक्त के साथ जाएंगे और वार्ता करेंगे। अब देखना यह होगा कि समस्या जो बरसों से चली आ रही है उसका क्या होता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
कोई भी बात 1950 1950 चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950 चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950 मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बूथ के जानकारी वोटर कार्ड कैसे बनी ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर ये चुनाव बस एगो नंबर याद रखी भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी नस सिर दर्द हिस्टीरिया पागलपन मिर्गी अनिंद्रा सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब गांजा भांग ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D 3D 4D कलर डोपलर अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था खून पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार से भागलपुर जिले में 5000 ट्रकों के पहिए पर ब्रेक लग जाएगा। वर्ष 2019 में सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर अधिनियम को वापस लेने की मांग को लेकर ट्रक मालिकों की सरकार के साथ वार्ता विफल हो जाने के कारण बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने सोमवार से ट्रक मालिकों से ट्रक परिचालन बंद करने का आह्वान किया है। ट्रक के पहिए पर ब्रेक लगने से माल ढुलाई के कार्य पर व्यापक असर पड़ेगा और विशेषकर निर्माण कार्य बाधित हो जाएंगे। खासकर सीमेंट बालू सरिया और गिट्टी की ढुलाई पर भी ब्रेक लग जाएगा। एक साथ जिले में 5000 ट्रक नहीं चलने से व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। इसको लेकर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रवक्ता बबलू मंडल ने परिवहन विभाग के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी नए कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कानून को आधार बनाकर ट्रक मालिकों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत परिवहन विभाग को खाली ट्रकों का वजन धर्मकांटा में कराने का भी अधिकार दिया गया है और ट्रक को धर्मकांटा नहीं किए जाने की स्थिति में 40,000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, जो ट्रक मालिकों के साथ अन्याय है।
हालांकि परिवहन विभाग के सचिव ने जिला प्रशासन को सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। हिंद युवा शक्ति की ओर से रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तिलकामांझी जवारीपुर स्थित वृंदावन हॉल में अंग शिक्षा रत्न अवार्ड से एक दर्जन से ज्यादा शिक्षक और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता MLC डॉक्टर NK यादव ने की। युवा शक्ति के अध्यक्ष गौतम दुबे ने बताया कि हम लोग पिछले 3 साल से अंग क्षेत्र के लोगों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उच्च शिक्षा की अलग जगाने वाले शिक्षकों एवं समाज सेवियों को पुरस्कृत किया जाता है। समारोह में DSO शंभू राय, DSP हरीश शर्मा समेत कई शिक्षाविद मौजूद थे। एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा का इन लोगों ने चलन शुरू किया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और खास करके जो उच्च शिक्षित हैं, PhD हों या MA MSc हो या अन्य विधा में अगर वो हायर एजुकेशन लिए हों, उनको सम्मान करना एक बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया है। ये हम लोगों का जो है ये 2015 से चला रहा है। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को हम अपनी संस्था हिंद युवा शक्ति के द्वारा सम्मानित करने का कार्य करते हैं, जिसका नाम रखे हैं कि अंग शिक्षा रत्न अवार्ड। तो इसमें अंग क्षेत्र के जितने भी शिक्षाविद लोग हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हैं, शोध का कार्य करते हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं। एक भारत सरकार के द्वारा निर्गत एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं उन लोगों को। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त भागलपुर दौरे पर पहुंचेंगे। बता दें कि उप निर्वाचन आयुक्त भागलपुर, बांका, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय समेत 6 जिले के DM सह निर्वाचन पदाधिकारी, SSP, SP और चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इसी को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए अलग अलग जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ उप निर्वाचन आयुक्त की बैठक होनी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में ही बिहार के सभी DM को कई दिशा निर्देश दिया जा चुका है। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिले के नाथनगर थाना अंतर्गत गोसाई दासपुर पंचायत के महतो टोला में रविवार को कोकन यादव के 5 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि अंकुश अपनी माँ के साथ गंगा स्नान करने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से अंकुश गहरे पानी में चला गया और नदी में डूब गया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में करीब 1 घंटे खोजबीन कर बच्चे को निकाला गया, पर उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए JLNMCH भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज बड़ा दुख के की बात है कि आज गोसाईदासपुर गाँव में पोकन यादव का लड़का अंकुश कुमार जो उम्र 5 साल था, वो नदी में डूबने से उनकी मौत हो गई। बहुत खेत के साथ हमें जानकारी मिला तो हम इस दुख के घड़ी में सहानुभूति को देखते हुए आए हैं। भागलपुर में रविवार को शीतला स्थान चौक स्थित ऑक्सीमिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा निर्देशित पारिवारिक फिल्म मांगली के एक दोस्त का ऑडिशन लिया गया, जिसमें काफी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए युवाओं ने अपना अभिनय दिखाया। ऑडिशन को लेकर कंपनी की मैनेजर श्रेया भट्टाचार्या ने बताया कि विभिन्न इलाकों से आए कलाकार अपनी प्रतिभा पेश कर रहे हैं। वहीं सभी कलाकारों के हुनर को देखते हुए ज्यूरी मेंबर्स द्वारा उनका चयन किया जाएगा। श्रेया ने बताया कि इस फिल्म से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही उन्हें राज्य के बाहर जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर ऑक्सीमिन ग्रुप ऑफ कंपनीज के निर्देशक आनंद शुक्ला सहित फिल्म से जुड़े कई कलाकार मौजूद थे। ऑक्सीमिन एंटरटेनमेंट से श्रेया भट्टाचार्या हूँ और यहाँ पे क्या है सर कि ऑक्सीमिन एंटरटेनमेंट के बैनर तले भोजपुरी हॉरर कॉमेडी फिल्म बन रही है, जिसका ऑडिशन आज ही है। और इसका क्या है सर कि दूर दूर से बहुत ही लोग आए हुए हैं, लगभग आपके जो है बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र से आए हुए हैं। और इसका ऑडिशन जो है लगभग 50+ लोग अभी तक आ चुके हैं और लोग आ ही रहे हैं अभी तक। आज शाम 5 बजे तक ऑडिशन इसका मतलब ऑर्गेनाइज किया गया है हम लोगों की तरफ से। भागलपुर कचहरी परिसर की घेराबंदी के लिए की जा रही 4 दीवारी निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है।
चंद दिनों पूर्व बनी दीवार से निकलने वाला बालू इसकी गवाही दे रहा है। जिला विधिक संघ के महासचिव संजय मोदी ने चारदीवारी निर्माण एजेंसी पर कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि चारदीवारी के निर्माण से पूर्व निर्माण एजेंसी द्वारा प्रकलित राशि का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है, लेकिन निर्माण स्थल पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है और न ही DBS को इससे जुड़ी कोई जानकारी दी गई है। महासचिव ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से किए जा रहे चारदीवारी निर्माण कार्य में गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने से हमेशा अधिवक्ताओं के जानमाल का खतरा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने की बात करते हुए कहा कि अविलंब इस निर्माण कार्य पर रोक लगाकर कार्य गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। इससे वकीलों के साथ कचहरी परिसर में आने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकेगा। इसको लेकर DBA की ओर से जिला जज, जिलाधिकारी, भवन निर्माण विभाग समेत कई वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। जो न्यायालय परिसर का, भागलपुर के न्यायालय परिसर का जो घेराबंदी हो रहा है, लंबी चौड़ी दीवार की जा रही है, उसमें घोर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अभी जो स्थिति है, बस से पत्थर, उसमें बालू, ईटा और छड़, सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेशियो भी 12:1 का है और ईटा की भी क्वालिटी बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में वो कभी भी गिर सकता है। अब अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। समाजवाद के पुरोधा रघुवंश प्रसाद का हुआ निधन, राजनीतिक गलियारों में दौड़ी शोक की लहर। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर पुलिस ने चलाया अभियान, 14,000 बोतल शराब के साथ 7 शराब कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया कटिहार की सीमा पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, जमकर हुई गोलीबारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया सौगात, बांका में बने गैस वॉटलिंग प्लांट का किया उद्घाटन। और भोलानाथ पुल पर जल जमाव की समस्या को लेकर युवक ने किया अनोखा प्रदर्शन, पानी में घंटों बैठकर जताया विरोध। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।